उधर हिमाचल में भी एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। शिमला के रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। इन 3 को शिमला रेफर कर दिया गया है। ये दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब टेम्पो अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर की खाई में जा गिरा। हम कल रोड़ों से घर आ रहे थे तो हमारे ड्राइवर से गाड़ी कंट्रोल नहीं और वो गाड़ी यहाँ पर गिरी और ड्राइवर दुर्घटना कर फरार हो गया। मैं गाड़ी के अंदर था और मैंने पाया कि मेरे दोस्त सारे वहाँ पर है तो मैंने गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की और एक एक को बाहर निकाला। टेम्पो में चालक समेत 12 लोग सवार थे। ये सभी रोहडू से रामपुर के भड़ावली जा रहे थे तभी ये हादसा हुआ। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। साथ ही प्रशासन ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। करीब रात को 10:30 के करीब ये जो गाड़ी है चौका नालक जगह है वहाँ पे गिरी जिसमें 11 लोग सवार थे तो 11 में से 3 कैजुअल्टी हुई जो सुबह रिट्रीव कर पाए। बाकी जो इंजर्ड लोग थे रात में उनको यहाँ लेके आए। उनमें से 3 लोग जो है शिमला को रेफर कर दिए जिनको स्पाइन इंजरी या हेड इंजरी थी। बाकी 5 लोगों को यहाँ पे इलाज चल रहा है। इस हादसे के बाद टेम्पो चालक फरार है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है लेकिन सवाल यही है कि हिमाचल प्रदेश में बढ़ते हादसे कैसे थमेंगे। इन हादसों को लेकर सरकार गंभीरता तो दिखाती है, बड़े कदम उठाने की बात कही जाती है लेकिन बावजूद इसके हादसे रुकते नहीं। विशेश्वर नेगी, जी मीडिया, रामपुर।